गुड आफ्टरनून एडवोकेट पुरोहित। हाँ जी बताइए। हाँ मुझे पता है जियरिंग थी। व्हाट? हम केस जीत गए? यू मीन फाइनली इंसाफ हो गया? 16 साल पहले बाबूजी ने ये घर गवाया था, अब मैं उन्हें गिफ्ट दूंगी। थैंक यू वेरी मच। कहती है आ चल ले जाऊं तुझे प्यार करूं मैं जी भर के। बात सुन भाई। सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल। बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी तो उधर हैं। आ जा कुलजी। सत श्री अकाल बाबूजी। ओ मेरा पुत्र है। ओ जिंदे रहो जानिया माना खुश रहो मेरा बच्चा। आय हाय। ओहो बाऊजी घर में इतने नौकर चाकर फिर भी आप काम में जुटे रहते हो। और पुत्र जिन घरों में नौकर चाकर काम करते हैं ना उन घर के मालिक ना बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। जीत बाऊजी की बात को साबित करता है 13 मेरा बुढ़ापा। 18 साल हो गए बाऊजी को चंडीगढ़ में सेटल हुए हुए पर मजाल है कि उम्र एक दिन भी बड़ी हो। पुत्र तेरे बाऊजी अगर विलायत में होते ना
तो कब के मर खप गए होते। प्रदेश में ना लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। ये तो अपना वतन है, खुली हवा, ठंडी हवा, मीठी हवा, और फिर अपना लोकल जिम है। बाबूजी आप जिम भी जाते हो? पुत्र बोरियां उठाना मेरा जिम ही तो है। काम करो, सेहत बनाओ, तो डट के खाओ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बाबूजी। बाबूजी परजाई कहाँ है? परजाई अपने जिम में। सत श्री अकाल परजाई जी। सत श्री अकाल। ये क्या परजाई जी, आप तो कुछ ज्यादा ही काम अपने सर पे ले लेते हो। अरे हाथ पांव तो चलते ही रहने चाहिए ना कुलजीत। जिनके सर पर दो पीढ़ियों की जिम्मेदारी आ जाती है ना, उनके काम कहाँ खत्म होते हैं। पहले अपने बच्चे पाले, अब बेटे की बच्ची की जिम्मेदारी गोद में आ गई। पर वो जिम्मेदारी तो तकरीबन पूरी हो ही चुकी है ना परजाई। कुलजीते 20 साल पहले भी ऐसे ही लग रहा था कि जैसे सारी जिम्मेदारियां तकरीबन खत्म हो गई, और आज भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। लेकिन इन 20 सालों में एक बात तो सीखी है मैंने कि आने वाली जिंदगी की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसी कल्पना हम करते हैं ना, जिंदगी वैसी होती नहीं है। अच्छा बता, तूने तेरे सारे काम निपट लिए ना? जी परजाई, आपने जो लिस्ट दी थी ना वो सारे काम तो हो गए हैं। कैटरिंग वाले को, डेकोरेशन वाले को सारे ऑर्डर्स दे दिए हैं, और पंडित जी को शादी की तारीख फिर से याद करवा दी है। और भी कोई तैयारी करनी हो ना शादी की तो बता दीजिए परजाई। अरे तैयारियां तो सब हो गई है कुलजीत, पर ये लंदन वाले चंडीगढ़ पहुंचे तब तो शादी होगी ना। सतनाम सतनाम। हेलो। सत श्री अकाल बाऊ जी। ओए सत श्री अकाल मेरे पुत्र जी। कलेजे ठंड पै गई। तू ये बता कहाँ है तू पुत्र? तू जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, तू अपने बाऊ जी को बहुत हैरान परेशान करती है। बाऊ जी होते ही है जिन्हें परेशान किया जाए। मोई ना हो बेटा, रहम कर अपने बूढ़े बाऊ जी पर। आप ना सिर्फ बच्चों के सामने बूढ़े होने का ड्रामा करते हैं, वरना दुनिया ही जानती है मेरे बाऊजी कितने जवान हैं। ओए रहन दे रहन दे, अपने बाऊजी को ज्यादा मक्खन मत लगा, मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ। अच्छा तो ये बता तू आ कब रही है? वो बताने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ बाऊजी। उस केस का फैसला आज ही हुआ है और मैं केस जीत गई। कोर्ट ने वो लंदन वाला घर मेरे बाऊजी को वापस सौंप दिया। केंट फैमिली के शानदार मकान की कीमत है 5 मिलियन पाउंड। 5 मिलियन पाउंड 1, 5 मिलियन पाउंड 2, 5 मिलियन पाउंड 3। दुख दर्द का माने हम निकले उस आंगन में, बचपन छड़ के दिल कर दाए संग हवावा दे, उड़ जावा मैं पंछी बन के। ये घर आज 16 साल बाद फिर से हमारा हो गया है बाऊजी। मेरा बच्चा, जिन साजों को उठा के रख दिया जाता है ना, उनके तार नहीं छेड़े जाते, टूटे हुए नातों के धागों को गिरह लगाने की कोशिश करें ना पुत्र, अक्सर उंगलियां कट जाती हैं। इस घर में मैं आपको वापस लेकर आऊंगी, ये मेरी जिद है बाऊजी। देख पुत्र, शादी की डेट फिक्स हो गई है, सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं, अब तुझे आना ही पड़ेगा। आप तैयारियां कीजिए, मैं 2-4 दिनों में आती हूँ। ना ना मेरे पुत्र, 4 रोज नहीं, 2 रोज में मेरी टीना को मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। अपने बाऊजी का जान बचाने के चक्कर में मेरी टीना मुझसे खो गई, पता तुझे देखे हुए कितना अरसा हो गया, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तू 2 दिन में यहाँ आएगी, ये तेरे बाऊजी का हुक्म है। 2 दिन नहीं बाऊजी, मैं यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जा रही हूँ, वहाँ से प्लेन पकड़कर सीधा अपने बाऊजी के पास।
वाली थी, बताया क्यों नहीं? ये मेरा और बाऊजी का प्लान था कि मेरे आने की खबर ना आपको बताई जाए और ना उसे। क्या तुमने उसे भी नहीं बताया? नहीं, मजा आएगा ना, कहाँ है वो? इतनी मर्जी कोशिश कर ले मासी मासी कहलाने की, इसने तुझे बोल दिया है टाबी। आज के बाद तुझे ये गुनगुन टाबी 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 बुलाएगी। टाबी? अच्छा तो ये है तुम्हारी टाबी मौसी? ये तो कितनी यंग है, ये सुबह शाम मापी की बातें करती रहती है। टाबी का कल मेल आया था, टाबी से कल चैट हुई थी। टाबी का फोन आया था, उससे खूब सारी बातें हुई थी। टाबी ने ये गिफ्ट दिया, टाबी ने वो ड्रेस भेजा। टाबी टाबी टाबी। अरे अरे हीर, हीर कहाँ जा रही है? रुक दो, हीर सुन। अरे रुक दो, मिल लिया अपनी टाबी से? नहीं मिली। और नानू अभी आप भी हम दोनों के बीच में बिल्कुल बताइएगा। भौजी ओए मेरा पुत्र, को कलेजे ठंड पड़ गई। बस बस, तीना पुत्र के साथ आपका इमोशनल सीन बाद में, अभी मेरे और टाबी के बीच में कोई नहीं आएगा। और बब्बा जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आपकी खुली हुई दाढ़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या टाबी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम एयरपोर्ट नहीं मुझे लंदन लेने आ जाती। टाबी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं बड़ी क्यों हो रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो आप हमेशा मेरे साथ रहती थी, और अब पता है कितने सालों बाद आप मुझसे मिल रहे हो? हाँ, बहुत सालों के बाद मिल रही हो ना। पर पता है हीर, तुम जैसी जैसी बड़ी होती जा रही हो ना, बहुत ही सुंदर होती जा रही हो। सच्ची ना ताबी, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ वैसे वैसे बहुत क्यूट होती जा रही हूँ। ऑफ कोर्स। अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 3 महीने में मुझे 9 लड़कों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आई लव यू कहा, तो क्या तुम यकीन करोगी? हाँ बिल्कुल, पर तुम्हें सब बिल्कुल यकीन नहीं होगा जब तुम्हें मैं सच्चाई बताऊंगी। क्या? वो ये कि 9 लड़के तो क्या, आज तक मुझे 1 लड़के ने भी प्रपोज नहीं किया। क्या? आई कांट बिलीव इट। यकीन तो मुझे भी नहीं होता था, पर प्रॉब्लम बाद में समझ आई। एक्चुअली ताबी, हमारे एरिया के खाने में ना विटामिन ए की बहुत कमी है। फैशन के मारे लड़के चश्मा नहीं पहनते, पर आंखें सबकी खराब। अरे वाह, ये सारे रंग बड़े प्यारे ने। एक काम कर, ये सारे रंग तू 4-4 दर्जन दे दे। बीजी वो तो ठीक है, पर तुझे हरे रंग की चूड़ियां तो ले आनी।
चल सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बाबू जी। हाँ बच्चा, बड़ा शौक था ना मेरी पम्मी को इन चूड़ियों का। फिर याद आ गई आपको पम्मी की? कुछ यादें कभी धुंधली नहीं होती पुत्र। मेरा तो क्या है, मैं तो फिर भी 10-15 दिन में एक आध बार पम्मी को याद कर लेता हूँ, लेकिन तू तो पिछले 18 साल से अपने कमरे में छिप छिप कर पम्मी को याद करके आंसू बहाती है। तू क्या समझती है पुत्र? मैं जानता नहीं। मैं जानता हूं पुत्र, वो देख उस चांद को, वो गवाह है इस बात का। पूछ उससे, वो बताएगा हमारी पम्मी जहां भी है, जिस जहान में भी है, वो अपने देव के साथ बहुत सुखी है। देव और पम्मी की कहानी 7 जनों की कहानी है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।